कर ली उसने अपनी मर्दांगी पूरी, हाथरस वाली बहन के साथ सोकर, जर्रा जर्रा कांप उठा बहन तुम्हारी कहानी सुनकर। कौन बताए उस समय तुम किस दर्द से गुजर रही थी, लेकिन अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तुम्हारी कहानी सुनकर, कुछ लोग मोमबत्ती जलाएंगे तुम्हारी कहानी सुनकर, कुछ लोग तुम्हारे बारे में लिखेंगे तुम्हारी कहानी सुनकर, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम उस समय किस दर्द से गुजर रही थी। मुझे पता है निर्भया के बारे में जानकर और हैदराबाद वाली बहन के बारे में जानकर दर्द तुम्हें भी हुआ होगा, तुम्हें भी लगा होगा कि मैं भी लड़की हूँ, और आज किसी और को भी दर्द हो रहा होगा तुम्हारी कहानी सुनकर, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाएगा क्योंकि तुम एक दलित जाति की थी। किसी हीरो को इंसाफ दिलाने के लिए 3-3 महीना 4-4 महीना तक न्यूज चलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए 3 दिन तक न्यूज नहीं चलाया जाएगा तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि तुमसे उसे TRP नहीं मिलेगी। इसी वजह से चुनाव जीतने के लिए गठबंधन की जाती है, लेकिन तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए कभी गठबंधन नहीं की जाएगी, क्योंकि तुम एक दलित जाति की थी, जो तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध था कि तुम दलित जाति की थी। तो चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, कि आपने भी देखा होगा इस बार किस तरह से वैकेंसी लाने के लिए और एग्जाम का डेट और रिजल्ट लाने के लिए किस तरह से एक मुहिम चलाई गई, 2-3 दिन तक कंटिन्यू हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर के मिलने से ये मुहिम चली थी, और सरकार को जवाब देना पड़ा था इस चीज का। 3 दिन के अंदर ही सरकार को जवाब देना पड़ा था और सरकार ने जवाब दिया था। तो इसी तरह से अगर हम एक कानून की मांग करें जिसमें जो भी रेपिस्ट है और जो रेप करने की मानसिकता बनाते हैं उनसे उनमें डर पैदा हो और रेपिस्ट को एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एक कानून के तहत, क्योंकि कब तक हम लोग मोमबत्ती जला के काम चलाएंगे, कब तक हम लोग फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, इसका एक परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए। क्यों हमारे घर के बहनों को आज़ादी नहीं है, क्यों हमारे घर के औरतों को आज़ादी नहीं है, कब तक? तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो ज़रूर जाके देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है और हम लोग को कहाँ पर विरोध करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।